नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइजर में। और दोस्तों, यहाँ पे डीएलएड के फॉर्म को लेकर जो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था किस तरह से आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कहाँ पे जो है डीएलएड के फॉर्म के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे आप लोगों के उस वीडियो पे जो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था कि जिनका स्टडी सेंटर अभी तक नहीं आया है तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर जिनका स्टडी सेंटर आ गया है लेकिन अभी तक उनका क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। और बहुत सारे टीचर्स का यहाँ पे कहना था कि जब वो फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यानी जब फॉर्म को भर रहे हैं, तो उनका वहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप पर जरूर से शेयर भी करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों, आप लोगों के सबसे ज़्यादा अगर कमेंट यहाँ पे देखें तो ये आ रहे थे कि जिनका स्टडी सेंटर अभी तक नहीं आया है क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, जिनका स्टडी सेंटर नहीं आया है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनके लिए भी ये फॉर्म है कि ये फॉर्म जो सभी को भरना, या फिर जिनका स्टडी सेंटर आ गया है लेकिन उसका क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी टीचर जो है डीएलएड में रजिस्ट्रेशन करवाए थे और उनका यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है तो वो सभी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स इस तरह से आ रहे थे कि आप जब फॉर्म को भर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है एरर शो हो रहा है। तो दोस्तों, इसका फॉर्म जो है कल आया, यानी 15 तारीख को इसका फॉर्म आया है, तो यहाँ थोड़ा सा सर्वर यहाँ पे बिजी चल रहा है, साइट थोड़ा सा बिजी चल रहा है, जिसके कारण की जो है ये एरर शो हो रहा है। तो आप जो एक दो दिन के बाद भी ट्राई कर सकते हैं या फिर आप जो रात में ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें जो आप इजिली जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो दो लिंक बनाया गया है फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहला लिंक आप अगर डीएलएड की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डीएलएड एग्जामिनेशन फीस फॉर कोर्स 501, कोर्स 502 एंड कोर्स 503। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास देखिए इस टाइप का यहाँ पे विंडो खुला हुआ आएगा और यहाँ पे जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद जो है यहाँ पे आपका नाम, फादर का नाम, या फिर 12th का क्या परसेंटेज है, क्या आपका कैटेगरी है, तो वो सभी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है कि क्या आपने जो है 12th के इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया है या फिर नहीं दिया है, जो कि यहाँ पे NIS के द्वारा जो है 12th के इंप्रूवमेंट का यहाँ पे फॉर्म भरवाया जाता है, उसका एग्जाम यहाँ पे करवाया जाता है। अगर आपने उसका एग्जाम दिया है तो यस करें, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो वहाँ पे नो करें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जिन्होंने यस यहाँ पे किया था उनका यहाँ पे एरर शो हो रहा है। दोस्तों, आप वहाँ पे ट्राई करते रहें, वो जो है फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अभी सर्वर का तो प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण कि वो एरर शो हो रहा है, तो आप ट्राई करते रहें, आप रात में ट्राई करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप रात में ट्राई करेंगे तो आप इजीली जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें तो दूसरा लिंक भी देखिए यहाँ बनाया गया है फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ पे देखें तो अगर आप टीचर सेक्शन में जाएंगे, टीचर सेक्शन में जाने के बाद अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखें ऊपर में जो लिखा गया है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डीएलएड एग्जामिनेशन फी फॉर कोर्स 501, कोर्स 502 एंड कोर्स 503, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। जब आप इस पर भी क्लिक करेंगे देखिए आपके पास इस टाइप का जो है सेम विंडो जो खुला हुआ आ जाएगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आप किसी भी लिंक पे जाके आप भर सकते हैं। दोस्तों, इसका लिंक जो है, ये जो भी लिंक है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके जो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था आपको कि इसका फॉर्म भरने का जो डेट, जो स्टार्टिंग डेट था, तो वो जो है 15 फरवरी था, यानी कि कल से जो ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। और इसका लास्ट डेट जो है 6 मार्च तक है, कि बिना लेट फाइन के साथ जो है आप 6 मार्च तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको फॉर्म भरने के लिए जो ₹250 पर सब्जेक्ट यहाँ पे करने होंगे, यानी कि टोटल आपको जो है ₹750 यहाँ पे देना होगा। और लेट फाइन के साथ जो है आपको ₹350 पर सब्जेक्ट यहाँ पे देने होंगे। और लेट फाइन के साथ जो है 7 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 15 मार्च के बाद जो है आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसीलिए आप जो विदाउट लेट फाइन जो है 6 मार्च से पहले इस फॉर्म को भर लें। और दोस्तों, आगे अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कोई परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो आपको इसी तरह से यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही था आज का बड़ा अपडेट जो एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको इसी तरह से यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो सर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब कलर बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है, उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो जो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप पर जोर से शेयर भी करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।